आपके 10 किलोमीटर की दूरी कचरा होता है, ठीक है। 40 किलोमीटर की दूरी पर वो कितनी देर में पार करेगा, देर मतलब क्या होता है, पता है, समय, ठीक है। यहाँ पर समय को इंडिकेट कर रहा है कितनी देर में, यानी समय, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हम करेंगे क्या, ठीक है, कि हमको देखना पड़ेगा कि पूछ क्या है, समय पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, समय पूछ रहा है। समय बराबर क्या होता है बाबू, समय बराबर होता है सबसे पहले हम यह देखेंगे कि हमारी दूरी यहाँ कितना है, टोटल कितनी है, 40 किलोमीटर, ठीक है। हम लोग 40 किलोमीटर लिखे, चाल कितना है बाबू, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। फिर से समझेंगे बाबू इस क्वेश्चन को, कि कहता है कि 40 किलोमीटर की दूरी वो कितने देर में पार कर देगा, कितनी देर में, कितनी देर में, यानी समय पूछ रहा है। जब समय पूछ रहा है तो हम लोग को समय बराबर जानते हैं कि दूरी बटे चार, टोटल दूरी कितनी है, 40 किलोमीटर, ठीक है। और चार कितनी है हमारी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर इसको हम काटते हैं तो 8 × 40 कितना हो गया, 5 घंटा, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, कहता है क्या कि प्रत्येक 10 किलोमीटर की दूरी के बाद वो 20 मिनट आराम करता है, ठीक है। प्रत्येक 10 किलोमीटर के मतलब प्रत्येक 10 किलोमीटर चलने के बाद क्या करता है, वो 20 मिनट का आराम करता है, यानी विश्राम करता है। तो एक चीज हम लोग समझेंगे इस क्वेश्चन में, सबसे पहले हमारी जो टोटल दूरी है, ठीक है, टोटल जो दूरी है, ठीक है, वो कितना है, 40 किलोमीटर है, ठीक है। हमारी टोटल दूरी 40 किलोमीटर है और प्रत्येक 10 किलोमीटर के बाद वो क्या करता है, रेस्ट करता है, कितना, कितने मिनट का, 20 मिनट का, ठीक है। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक करते हम 40 किलोमीटर मान ले, तो सपोज करते हैं चलो यहाँ से यहाँ तक चला कितना, 10 किलोमीटर, कितना चला, 10 किलोमीटर, एक बार आराम किया, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ चला तो 10 किलोमीटर, फिर यहाँ से यहाँ चला 10 किलोमीटर, फिर यहाँ से यहाँ चला 10 किलोमीटर, तो 10 कितना हो गया, 20 किलोमीटर। और ये यहाँ एक बार आराम किया था, यहाँ एक बार और आराम करके कितना हो जाएगा, दो बार आराम हो जाएगा। फिर करते हैं, फिर 20 से फिर 10 चला, कितना हो गया, 30 चला। फिर यहाँ आराम किया एक बार तो कितना हो जाएगा, इस बार तीन बार आराम हो जाएगा। देखो बाबू टोटल दूरी है 40, तो यहाँ से यहाँ चला 10, फिर यहाँ से यहाँ चला 10, तो 10 और 10 20, अब फिर यहाँ से 10 चला 10 20, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ चलेगा तो डायरेक्ट पहुंच जाएगा, तो यहाँ से यहाँ चलेगा पहुंच जाएगा, बीच में आराम तो नहीं करेगा, बीच में भी आराम करेगा क्या, तो यहाँ पर पहुंच जाने को नहीं लेना, यहाँ पर लेना है क्वेश्चन में कि बोला विश्राम करता है, ठीक है। तो यहाँ 30 किलोमीटर तक विश्राम करता है, 30 से जब 40 जाता है तो वो विश्राम नहीं करता, अपने जगह पर पहुंच जाता है। तो डेट मीन्स जहां तक हम लोग पहुंचे हैं वहां तक हम लोग कम करेंगे काम, और जो गंतव्य जगह पर पहुंच गया था उसको जाना था वहां नहीं देंगे, ठीक है। हमारी जो मंजिल थी, ठीक है, 40 किलोमीटर की मंजिल थी, इस 40 किलोमीटर में एक प्रत्येक 10 किलोमीटर बाद हमको विश्राम करना था, तो हमने कितना बार विश्राम किया, तीन बार, ठीक है, तीन बार विश्राम किया, ठीक है। और कितने मिनट का विश्राम किया, 20 मिनट का, तीन दूनी छह, यानी कितना हो गया, 60 मिनट बराबर एक घंटा, पहले कितना था, अब प्लस एक घंटा, कितना हो गया टोटल, 6 घंटा, यानी टोटल 6 घंटा में वो पार कर लेगी, ठीक है। इससे समझेगा बाबू उस क्वेश्चन को, कि कहता है मोहन साइकिल पर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है, प्रत्येक 10 किलोमीटर की दूरी के बाद 20 मिनट विश्राम करता है, 40 किलोमीटर की दूरी वह कितनी देर में पार करेगा। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले यह देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में पूछ क्या है, या पूछ ये क्वेश्चन में देखिए कहता है 40 किलोमीटर की दूरी वह कितनी देर में पार करेगा, कितनी देर में, डेट मीन्स टाइम पूछ रहा है, तो टाइम पूछ रहा है यानी समय पूछ रहा है, तो समय बराबर हम जानते हैं दूरी बटे चाल, हमारी टोटल दूरी दी हुई है 40 किलोमीटर, हमारी चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर इसको काट दिए तो
पांच आया यानी टोटल हमारा है ना पांच घंटा निकला। अब देखिए बाबू, अब कहता है कि अब यहाँ पर विश्राम वाले को लेके कि यहाँ से यहाँ तक हमारी दूरी को मान लिया कि 40 किलोमीटर दूरी है। अब 40 किलोमीटर जो दूरी है प्रत्येक 10 किलोमीटर के बाद वो 20 मिनट का विश्राम करता है। तो मैंने यहाँ से यहाँ तक चला 10 किलोमीटर, एक बार विश्राम किया, फिर यहाँ से यहाँ 10 किलोमीटर चला तो एक बार विश्राम किया, टोटल दो बार विश्राम हो गया। 10 यहाँ चला था, फिर यहाँ 10 चला था, 20 हो गया, फिर यहाँ से 20 से 10 चलेगा 30, और यहाँ आराम करना मैंने 3 बार, ये 30 किलोमीटर तो हो गया बाबू। अब 30 से अगर यदि यहाँ डायरेक्ट 40 में जाएगा तो यहाँ अपने मंजिल पर पहुंचेगा, लेकिन आराम यहाँ नहीं करेगा, जो भी आराम है वो यहीं तक करेगा, ठीक है। क्योंकि बाबू 30 के बाद क्या आता है, 40 आता है यानी अपना जगह वहां पहुंच जाता है, 30 के बाद 40 आता है यानी अपना जगह पर पहुंच जाता है, बीच में आराम नहीं करता है। जो पहुंच गया उसको नहीं लेना, जो आराम है उसको लेना, कि क्वेश्चन में विश्राम को वैल्यू दे रहा है, ठीक है। तो मैं विश्राम को देखेंगे कितना बार किया, 3 बार किया, कितने मिनट का विश्राम कर रहा है, 20 मिनट का, ठीक है। 20 को 3 से गुणा करेंगे 60 मिनट, 60 मिनट बराबर 1 घंटा, तो यहाँ निकला 5 घंटा, यहाँ निकला 5 घंटा प्लस 1 घंटा, दोनों को अगर जोड़ देंगे 5 1 6 यानी टोटल 6 घंटा का वो ले रहा है समय, ठीक है। समय कितना ले रहा है, 6 घंटा, ठीक है। ओके।